प्रतीत होता है अहिंसा भी सापेक्ष है। जब राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध चल रहा हो और इंसानों की ही जान आफत में हो, तब जाहिर है पशु हत्या के बारे में सोचा जाना फिजूल है। और आज के समय में यदि मनुष्य स्वयं को मनुष्य से बचाने में ही सफल हो जाए या अपनी ही प्रजाति की रक्षा कर पाए, वही सबसे बड़ी अहिंसा होगी। आखिर मनुष्य पृथ्वी का सर्वाधिक विशिष्ट प्राणी जो है, जो अपने मस्तिष्क का उपयोग कर उन्नति या पतन दोनों की ही पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। अजीब विडंबना है। समय के अनुसार परम से सापेक्ष तक की यात्रा तय होती है, जहां आवश्यकतानुसार जरूरतें, परिभाषाएं, मानदंड, इंसानियत के पैमाने, जल्लादपन की परिभाषा सब बदलता है। केवल एक विश्वास ही आशा देता है कि कभी ना कभी तो सापेक्षता से परम की यात्रा पुनः आरंभ होगी ही। समाचार देखते हुए अनिला का मन मस्तिष्क यह सोचे बगैर न रह सका।